नमस्कार, जेमिनी ज्योतिष लर्निंग सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लेंगे हमारी क्लास नंबर 2। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि हम किस तरीके से कारक निकालते हैं और एक के मीन्स आत्म कारक और अमात्य कारक के सिग्निफिकेशन हमने बताए थे कि आत्म कारक हमारी लग्न को रिप्रेजेंट करता है और अमात्य कारक सेकंड हाउस और उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी वो हमने सभी बताई थी। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग कारकों पर। टोटल 7 कारक होते हैं, तो जो डिग्रीज में थर्ड नंबर पर जो कारक आता है, सबसे हाईएस्ट डिग्री का आपका आत्म कारक है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री में अमात्य कारक होता है और थर्ड डिग्री पर जो आता है उसे हम भातृ कारक या बीके बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऑलवेज बीके ही यूज करेंगे। तो बीके एक्चुअल में किन चीजों का कारक है यहां पर कुंडली के अंदर, आपने उम्मीद है मेरे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियो नंबर 129 जरूर देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो आप फिर से देख लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। हर एक भाव कुंडली का किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो भातृ कारक यहां पर है, वो सिग्निफिकेटर है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस का। तो ये वो सब रिजल्ट देगा जो कि थर्ड हाउस से लिंक्ड है, 9th हाउस से लिंक्ड है और 11th हाउस से लिंक्ड है। उनमें मेन जो है बताएगा, इट इज ऑल अबाउट फादर, ब्रदर, सिस्टर्स एंड टीचर। इन सभी के बारे में बताएगा। ये रेस्पेक्टिवली आपके ब्रदर एंड सिस्टर थर्ड हाउस और 11th हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं, फादर 9th हाउस का सिग्निफिकेशन है और टीचर भी 9th हाउस का सिग्निफिकेशन है। तो भातृ कारक इन सभी चीजों के अलावा थर्ड हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको देगा। आपके अंदर कितना पराक्रम है, कौन सी आपकी हॉबीज है वो बताएगा, नेबरहुड बताएगा, छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते और उनसे रिलेटेड सारी बातों को बताएगा, शॉर्ट ट्रेवल को बताएगा। यदि आप जॉब के अंदर हैं तो आपको कोई ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे भी थर्ड हाउस बताएगा। आप जब घर से पहली बार बाहर निकलते हैं आउटसाइड होम, तब आपका कैसा एक्सपीरियंस होगा वो भी इस भातृ कारक पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली क्योंकि ये सिग्निफिकेटर 9th हाउस का है, तो 9th हाउस आपका फॉरेन में ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फॉरेन सेटलमेंट, रेजिडेंस इन फॉरेन कंट्री, उसको भी यही रिप्रेजेंट करेगा भातृ कारक। 9th हाउस से रिलेटेड आपका फॉर्च्यून होता है, हायर एजुकेशन होती है जो कि एएमके का भी सिग्निफिकेशन है, ध्यान रखना, या हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, फॉरेन सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, रिसर्च वगैरह को रिप्रेजेंट करेगा, इसी तरीके से आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करेगा। फर्दर क्योंकि 11th हाउस का भी ये सिग्निफिकेशन है, तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें लाभ और आपकी इच्छाओं की पूर्ति को भी रिप्रेजेंट करेगा, बड़े बहन और बड़े भाई को भी रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपकी कुंडली में भातृ कारक की पोजीशन अच्छी है, कोई राजयोग बना रहा है जिस हाउस के अंदर या भातृ कारक से रिलेटेड राशि की दशा आ जाती है, तो इससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस तरीके से हम इसे देखेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा भातृ कारक को हम किस तरीके से यूज करेंगे प्रेडिक्शन में। नेक्स्ट आता है इसमें जो फोर्थ डिग्रीज पे जो आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, हाईएस्ट आत्म कारक, सेकंड नंबर पे अमात्य कारक और थर्ड नंबर पे भातृ कारक और चौथे नंबर पे जिसकी डिग्रीज है प्लेनेट की उसको हम मातृ कारक या एमके बोलते हैं। मातृ का मतलब माँ होता है, तो ये कुंडली के फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है। फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट हम देखते हैं नॉर्मल पाराशरी में, वही हम मातृ कारक से देखेंगे। तो फोर्थ हाउस मां का कारक है, तो मातृ कारक की यदि अच्छी पोजीशन है तो मां से रिलेटेड आपको सभी सुख मिलेंगे, आपकी मां अच्छी होगी, आपका पूरा ध्यान रखेगी, इस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। फोर्थ हाउस मदर के साथ साथ हैप्पीनेस का भी है, जनरल हैप्पीनेस एट होम, आपकी हर तरह की खुशियों का भी हाउस फोर्थ हाउस ही है। तो यदि फोर्थ हाउस मातृ कारक को से ही देखेंगे हम खुशियों को भी, कम होंगी या ज्यादा होंगी उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। सिमिलरली फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी या हाउस का भी है,
तो वो भी हम मातृ कारक से देखेंगे। जनरली मातृ कारक जिस भी राशि में है उसकी दशा यदि चल रही हो तो आपका मकान आ सकता है, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वो उस पर शुभ प्रभाव हो, अच्छा वो राजयोग बनाने वाले भाव में बैठा हो और उसी राशि की दशा चल रही हो तो आपको मकान आ सकता है। साथ में आपकी मदर से रिलेटेड भी कुछ इवेंट हो सकते हैं, वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा किस तरीके का है। व्हीकल का भी कारक आपका फोर्थ हाउस होता है, तो व्हीकल से रिलेटेड भी यदि कोई भी आपको देखना है तो वो हम मातृ कारक से देखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारा फिफ्थ वन कारक, दैट इज पुत्र कारक, जिसे हम पीके बोलते हैं। तो पुत्र कारक का बिल्कुल एग्जैक्टली आप वैसे ही मान के चलेंगे जो पांचवें भाव से जो चीजें देखते हो आप पाराशरी में, जैमिनी में वही चीजें हम पुत्र कारक से देखेंगे। मगर यहां पुत्र कारक फिफ्थ हाउस के साथ साथ, क्योंकि पुत्र पोजनी प्रोजनी या संतान से रिलेटेड हाउस हम फिफ्थ हाउस मानते हैं, तो फिफ्थ हाउस के साथ साथ ये नाइन्थ हाउस के भी सिग्निफिकेशंस देता है। भावत भावम थ्योरी के हिसाब से नाइन्थ हाउस फिफ्थ हाउस से फिफ्थ हाउस है, तो कोई भी हाउस जो रिजल्ट देता है उससे उतने ही हाउस आप आगे चले जाएं वही रिजल्ट फिर से आपको मिलते हैं। तो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है। अब फिफ्थ हाउस हमें क्या क्या बताता है? फिफ्थ हाउस हमें पूर्व पुण्य के बारे में बताता है, पूर्व जन्म में हम क्या पुण्य करके आए हुए हैं। प्रोजेनी मीन संतान के बारे में बताएगा, आपकी संतान कैसी होगी, कब होगी, होगी नहीं होगी, वो पुत्र कारक के बेस पर हम डिसाइड करेंगे, डिफिकल्टी से होगी। सिमिलरली आपको एजुकेशन बताएगा, आपकी कैसी एजुकेशन रहने वाली है, हायर एजुकेशन बताएगा पर्टिकुलरली। यदि आपको सेकेंडरी तक या ट्वेल्थ तक एजुकेशन देखनी है तो वो मातृ कारक बताएगा, वो फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेशन है। पुत्र कारक आपको हायर एजुकेशन बताएगा, इसी के साथ साथ आपकी नॉलेज बताएगा। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, अलग अलग फील्ड्स में वो काम कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको पुत्र कारक ही बताएगा कि किसी भी पर्सन को कितनी नॉलेज है। अथॉरिटी बताएगा, आपका कहीं भी काम कर रहे हैं आपके पास कितनी अथॉरिटी होगी काम करने की। सिमिलरली आपका लर्निंग बताएगा, आपको सीखने की कितनी ललक है और आप कितना जल्दी सीख पाते हैं। ये आपका शेयर मार्केट को बताएगा, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप इंतजार कीजिएगा, मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ शेयर मार्केट में। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था कि शेयर मार्केट इस ईयर के एंड तक 22,000 के आसपास जाएगा। बहुत लोगों को मालूम है ये चीज़, तो वो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट गई और मैं उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन देता हूँ। तो आप यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा कि हमें किस तरीके से काम करना है, क्योंकि आई नो अबाउट द शेयर मार्केट एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं कुछ एक वीडियोज लेकर आऊंगा। तो आप उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको मिलेंगे, उससे बहुत अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो ये शेयर मार्केट को भी रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस ही रिप्रेजेंट करता है, किसी के टूवर्ड्स आपका अफेक्शन है, लगाव है, उसको भी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि ये सिग्निफिकेटर नाइन्थ हाउस का भी है, तो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट जितने भी हैं आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी धर्म के प्रति कितनी आस्था है उसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके फादर से कैसे रिश्ते हैं, फादर से रिलेटेड सभी बातों को भी पुत्र कारक रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक चीज के एक से ज्यादा यहां पर कारक पॉसिबल है जेमिनी के अंदर, क्योंकि पुत्र कारक आपको फिफ्थ हाउस के भी रिजल्ट देगा और नाइन्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट भी देगा। फर्दर आता है आपका ज्ञाति कारक, और ज्ञाति कारक को जीके से हम बोलते हैं। ये आपके सभी प्लेनेट में जो सिक्स नंबर पर डिग्रीज में आता है उसे हम ज्ञाति कारक बोलते हैं। अब ज्ञाति कारक एक्चुअली इन सभी कारकों को खराब कर सकता है, वैसे ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ज्ञाति का मतलब होता है रिलेशन, रिश्ते, आपकी जिंदगी में क्या इवेंट होने वाले हैं वो बगैर रिश्तों के हो नहीं सकते। हमारी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप उसे माने या ना माने, वो रिश्ते होते हैं। किसी भी तरीके के आपके रिश्तेदारों से रिश्ते हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस में रिश्ते हो सकते हैं, बच्चों से रिश्ते हो सकते हैं। हमारी जिंदगी की जितनी भी खुशी और दुख है उन सभी का कारण रिश्ते ही होते हैं। मेरे यहां पर कहने का मतलब नहीं है कि रिश्तों की वजह से दुख आता है, मगर हमें रिश्तेदार दुख देते हैं इसका मीनिंग ये नहीं है। मगर जो भी हमें तकलीफें होती हैं वो इंसान अपनी तकलीफें झेल लेता है आराम से बगैर किसी डिफिकल्टी के, मगर अपने लोगों की तकलीफें उससे देखी नहीं जाती और इसी वजह से हम परेशानी में रहते हैं। ज्यादातर लोग देखा होगा वेल टू डू होते हैं, बच्चे प्रॉपर सेटल नहीं है, परेशान हो गए, रिश्ते की वजह से परेशानी है, उनका जॉब नहीं लग रहा आप परेशान हो गए, और किसी तरीके की किसी को प्रॉब्लम है तो आप परेशान हो गए,
आपकी फैमिली में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आपके रिश्तों में कोई तनाव है तो भी आप परेशान होंगे, तो और इसी तरीके से वो सब हैप्पी हैं तो आप हैप्पी होंगे, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। तो रिश्तों का बहुत बड़ा रोल होता है, व्यक्ति कारक का मतलब यहाँ पर रिलेशन होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कुंडली के तीनों दू स्थानों को, खराब भाव जो भी हैं कुंडली के अंदर, जिन्हें हम खराब भाव बोलते हैं, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। आज के टाइम में पूरी तरह खराब भाव नहीं है, बहुत लोगों की जिंदगी यही बदलते हैं। ट्वेल्थ हाउस तो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो चुका है, जो भी एजुकेटेड यूथ है इंडिया का वो सब ट्वेल्थ हाउस को यूज करके इंडिया से बाहर जाना चाहता है और वहां पे ही सेटल होना चाहता है। किसी टाइम पर ये सजा होती थी, आज के टाइम पर ये विश होती है लोगों की, तो ये तो विशफुल हाउस हो गया। एनीवेज, फिर भी ये आपका जो जीके है वो बताता है एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, डिजीज, बीमारियां, डेट, उधार आपके ऊपर कितना है, डेथ, डेथ बताएगा। डेथ क्यों बताएगा, क्योंकि एट हाउस का सिग्निफिकेशन है। आप आयु बोल सकते हो, आयु और डेथ दोनों का सिग्निफिकेशन एट हाउस को दिए हुए हैं। इसके बाद आपको बताएगा एक्सपेंसेस, खर्चे, क्योंकि ये ट्वेल्थ हाउस का भी वो है। इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन, उसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि बारहवें भाव का वो है, अस्पताल में भर्ती होना। आपको सडन इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है अचानक की, वो भी ज्ञाति कारक ही दिलवाएगा आपको। उसकी पोजीशन कैसी होगी उस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे, पर ये भी इसका सिग्निफिकेशन है। आपको ये रिसर्च कर सकते हो, ऐसी गुड रिसर्च। और ज्ञाति कारक ही आपको एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है, ऑकल्ट साइंसेस जितनी भी आपकी गूढ़ जितनी भी विज्ञान है उसको सबको सिखाने में इसी का रोल होता है। जमीन के अंदर गड़ी हुई चीजों के बारे में भी ज्ञाति कारक ही आपको बताता है। जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन है वो भी आपको मिल सकता है। जमीन के अंदर जो ऑयल वगैरह इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके भी ज्ञाति कारक से लिंक होता है। ये डॉक्टर भी बनाता है ज्ञाति कारक, क्योंकि सिक्स भाव से रिलेटेड है डिजीज और ट्वेल्थ भाव से रिलेटेड है, जो कि आपका हॉस्पिटल का होता है और डिजीज और हॉस्पिटल से रिलेटेड है। ये जेलर भी बना सकता है आपको, ट्वेल्थ हाउस जेल इम्प्रिजनमेंट से लिंक्ड होता है। तो ज्ञाति कारक के सारे रोल है आपके, एक्सीडेंट भी आपका करा सकता है। ज्ञाति कारक के बारे में एक चीज आप ध्यान से ध्यान रखना, ये स्पॉइलर होता है, खराब करने वाला होता है। किसी की कुंडली का ज्ञाति कारक जिस भी किसी कारक के साथ जाकर बैठ जाए तो ये उस कारक को फिनिश कर देता है, उसके कारक को खत्म कर देता है, बल्कि नेगेटिव कर देता है और खुद स्ट्रोंगर हो जाता है। ये किसी भी अच्छे कारक के साथ जाकर बैठेगा ज्ञाति कारक, तो उस कारक के कारक को फिनिश करेगा और खुद उसकी सारी कारक को लेके स्ट्रोंगर हो जाता है। तो ज्ञाति कारक एक तरीके से आपका नेगेटिव कारक है किसी भी कुंडली के लिए। तो किस तरीके से नेगेटिव होता है वो लेटर ऑन वी विल डिस्कस, पर अभी हम ये मान के चलेंगे कि ज्ञाति कारक छठे, आठवें और बारहवें भाव के जो भी कार्य करते हैं वो इसी ने करने हैं। तो छठे, आठवें और बारहवें भाव को इन जनरल कुंडली के अंदर हम ज्यादा अच्छे नहीं मानते और उनके लॉर्ड को भी अच्छा नहीं मानते, इसलिए उनके लॉर्ड की तरह बिहेव करता है किसी भी कुंडली के लिए, तो उस तरीके के रिजल्ट आपको देगा। ज्ञाति कारक को जब भी हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, किसी भी कारक के साथ जब वो जाकर बैठता है तो उस कारक को वो परेशानियां क्रिएट करेगा, आप इस तरीके से लेंगे। इसके कुछ पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस हैं, लाइक आपको कंपटीशन में यदि फेस करना है और कंपटीशन विन करना है, किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना है या किसी स्पोर्ट्स में सिलेक्शन होना है, तो ज्ञाति कारक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि उसकी अच्छी पोजिशन है और वो किसी अच्छे भाव में जाकर बैठा है, उसकी राशि की दशा चल रही है राइट टाइम पर, तो आपका कंपटीशन भी क्लियर हो सकता है, आपका किसी एग्जाम में इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो सकता है यदि ज्ञाति कारक की राशि वाली दशा चल रही है। तो दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। लास्ट में इसमें कारक आता है दारा कारक, जो कि सभी सातों ग्रहों में जिसकी सबसे कम डिग्री है वो दारा कारक होता है। दारा का मतलब होता है स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ को हम दारा बोलते हैं यहां पर, और स्पाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इंसान की जिंदगी के अंदर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटर हाफ। तो स्पाउस बेटर हाफ होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, तो ये बेटर हाफ का हाउस है। सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेशंस कुंडली के अंदर, इन जनरल लोग कहते हैं वाइफ का हाउस है, हस्बैंड का हाउस है, मगर केवल उतने ही हाउस नहीं है, ये आपका मारक स्थान भी होता है। तो सेवेंथ हाउस जो है दारा कारक आपको मारक भी दे सकता है, आपको गंभीर बीमारियां दे सकता है, मौत का कारण भी बन सकता है। साथ के साथ ये पार्टनरशिप का कारण भाव भी होता है सातवां भाव,
तो दारा कारक आपका पार्टनरशिप कैसी रहेगी किसी भी काम में, बिजनेस में या कहीं पे भी, वो भी दारा कारक ही डिसाइड करेगा। बिजनेस का कारक भी है, 10th हाउस के साथ साथ 7th हाउस का भी रोल होता है बिजनेस के अंदर, तो दारा कारक आपको ये बताएगा। फिर पब्लिक में आपकी क्या इमेज है उसके लिए भी दारा कारक रिस्पॉन्सिबल होता है। हम देखते हैं कि बहुत लोगों की पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज होती है, बहुत लोगों की बहुत खराब नोटोरियस इमेज होती है। नोटोरियस वो नहीं है तभी भी इमेज उनकी खराब हो जाती है किसी न किसी वजह से, तो उसमें दारा कारक का बहुत बड़ा रोल होता है। ये प्रमोशन को भी रिप्रेजेंट करता है, पद प्राप्ति को रिप्रेजेंट करता है, आपको पद कोई भी हायर मिलेगा वो भी दारा कारक डिसाइड करेगा। 10th हाउस में जो है वो प्रोफेशन देता है, मगर दारा कारक आपको पद प्राप्ति देता है, आपकी इमेज को अच्छा बनाता है दारा कारक, पब्लिक इमेज को। जितने भी लोग होते हैं आपके स्टार्स वगैरह होते हैं, फिल्म स्टार है या कोई पॉलिटिशियन है, जिनकी बहुत स्ट्रांग इमेज होती है, अच्छी इमेज होती है, लोगों के मन में होता है कि ये बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है, जो भी काम करेगा वो अच्छा काम करेगा, वो उसमें दारा कारक का रोल होता है। तो इस तरीके से आज हमने सभी कारकों के बारे में पढ़ लिया है। हम वन बाई वन स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम कारक देखते हैं। आज मैंने आपसे बात की है सभी कारकों के क्या सिग्निफिकेशंस हैं। जिन्हें पाराशरी आती है और जेमिनी सीखना चाहते हैं उनके लिए अब ये बड़ा आसान है कारक। आत्म कारक का मतलब लग्न हो गया, अमात्य कारक को आप दूसरे भाव के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं वो अमात्य कारक की जिम्मेदारी है। थर्ड भाव के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं वो मेन जिम्मेदारी भ्रातृ कारक की है, बीके की। फोर्थ हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं उनकी जिम्मेवारी मातृ कारक की है। फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेशन की जिम्मेवारी पुत्र कारक की है, और सिक्स्थ हाउस की ज्ञाति कारक की है, और सेवेंथ हाउस की दारा कारक की है। तो जिन्हें पाराशरी में हाउसेस के सिग्निफिकेशंस आते हैं, यहाँ पे जेमिनी में, उनको बिल्कुल अलग ज्यादा कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मेन जो सिग्निफिकेशंस इनके उन हाउसेस के हैं, साथ में और दूसरे हाउसेस के भी सिग्निफिकेशंस देते हैं जो कि मैंने इन वीडियोस में बताया है। आप इन्हें किसी बुक के अंदर नोट कर लें और एक दो बार रिवाइज करें, आपको याद हो जाएंगे। मैं फर्दर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्हें कि एस्ट्रोलॉजी आती है उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, जो बिल्कुल नए सिरे से सीख रहे हैं वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और उसमें कुंडली कैसे देखें, कुंडली कैसे बनाएं करके 9-10 वीडियोज हैं, वो 20 वीडियोज 15-20 मिनट से ज्यादा के नहीं है, उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रखा है। तो उन्हें आप जरूर देख लें, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि कौन से भाव के क्या कारकत्व होते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, इनके अलावा और कोई कारकत्व नहीं होते, पर डिटेलिंग में आप वहां पे भी उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर बताऊंगा, जो मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूं, कि राशियों की दृष्टि कैसे होती है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों की दृष्टि होती है, पाराशरी में ग्रहों की दृष्टि होती है। यहाँ पे राशियों की दृष्टि हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग तरीके की लग्न होती है जेमिनी में, उन लग्नों को हम किस तरीके से किसी कुंडली में निकालेंगे, जैसे पद लग्न होती है, आरूढ़ लग्न होती है, कारकांश लग्न होती है, वो सभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अपने साथियों को जो सीखना चाहते हैं उन्हें बताइएगा, क्योंकि मैं अब स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत से सिखा रहा हूँ। एक एक चीज बताऊंगा, जो भी मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी आप उन्हें आराम से घर पर बैठकर जब मर्जी देख सकते हैं। आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।